हेलो एवरीवन, तो एमएस एक्सप्लेन में आपका वेलकम। तो टाइगर 3 का ट्रेलर आया, तो टाइगर 3 के ट्रेलर को लेकर काफ़ी सारी एक्साइटमेंट देखने को मिली और लोगों ने इसको लेकर काफ़ी सारी थ्योरीज बनाना शुरू कर दी कि किस तरह पठान टाइगर को रेस्क्यू करवाएगा और वार 2 और टाइगर क्रॉस पठान की कहानी क्या टाइगर 3 से कनेक्टेड होगी और इमरान हाशमी क्यों टाइगर के पीछे पड़े हैं, टाइगर ने उनकी फैमिली के साथ पास्ट में क्या किया होगा। काफ़ी सारे सवाल खड़े किए टाइगर 3 के ट्रेलर ने, लेकिन इसके डायरेक्टर मनीष शर्मा ने कहा है कि जो आपने ट्रेलर में देखा वो जस्ट मूवी का 1% था। मतलब मूवी की पूरी स्टोरी लाइन उन्होंने हमसे छुपाई है और जो आपने ट्रेलर में देखा वो मूवी में एक्सपेक्ट करना तो गलत बात होगी, क्योंकि मूवी उससे अलग लेवल की होगी। जैसे जैसे ट्रेलर को दिन गुजरते गया उसकी आई खत्म होती गई। हालांकि इसका गाना लेके प्रभु का नाम भी रिलीज हुआ और पहली दफा अरिजीत सिंह और सलमान खान का कोलैबोरेशन भी हमें देखने को मिला, लेकिन इस गाने को भी वो वाला प्यार नहीं मिला जो बेशर्म रंग और जूमे जो पठान जैसे गानों को मिला था। वो हफ्तों तक रील्स में चलते रहे थे और काफी ज्यादा ट्रेंड किया था उन गानों ने। तो क्या टाइगर 3 की कहानी खत्म? जब तक टाइगर मरा नहीं तब तक टाइगर हारा नहीं। तो YRF स्पाई यूनिवर्स ने एक स्ट्रॉन्ग कमबैक करने का फैसला किया है। उन्होंने 3 नवंबर से लेकर 5 नवंबर तक एक फिल्म फेस्टिवल अरेंज किया है और ये YRF स्पाई यूनिवर्स का फर्स्ट फिल्म फेस्टिवल है। इसमें YRF के तमाम स्पाई एजेंट्स को एक साथ लाएंगे और इसमें क्या होगा कि इंडिया में मुख्तलिफ लोकेशन पर जाकर वो इवेंट करेंगे और इससे टाइगर 3 की प्रमोशन जो है वो स्काई लेवल तक पहुंच जाएगी। और जब हर तरफ टाइगर 3 की बातें होंगी, टाइगर 3 को बहुत ज्यादा प्रमोट किया जाएगा और इससे फिर उसका इफेक्ट एडवांस बुकिंग पे होगा, क्योंकि जो एडवांस बुकिंग है वो 5 नवंबर को स्टार्ट हो रही है। तो इस फेस्टिवल के फौरन बाद जब एडवांस बुकिंग ओपन हो रही है तो उस पर काफी ज्यादा पॉजिटिव इफेक्ट होगा। तो ये एक स्ट्रॉन्ग मूव है YRF की तरफ से। किसी भी मूवी की एडवांस बुकिंग उसका ओपनिंग डे डिसाइड करती है। तो क्या टाइगर 3 पठान को ओपनिंग डे रिकॉर्ड तोड़ पाएगी? आपका क्या ख्याल है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। टाइगर 3 को ओपनिंग लगना तो कंफर्म है, लेकिन ओपनिंग के बाद काफी सारी मूवीज का डाउनफॉल शुरू हो जाता है। लेकिन अगर इसको अपने बॉक्स ऑफिस कलेक्शन को मेंटेन करना है तो इसकी स्टोरी लाइन को थोड़ा यूनिक होना पड़ेगा, लेकिन इसके ट्रेलर से लग नहीं रहा, क्योंकि वही पाकिस्तान का लिंक उन्होंने दोबारा डाला हुआ है इसमें, क्योंकि इमरान हाशमी एक पाकिस्तानी स्पाई एजेंट होंगे। तो काफी टाइम के बाद सलमान खान हमें अपने स्वैग अवतार में दोबारा दिखाई देंगे, क्योंकि टाइगर जिंदा है और एक था टाइगर वाले सलमान खान तो पता नहीं कहीं गायब भी हो गए थे। तो ये फैंस के लिए एक इंटरेस्टिंग न्यूज है। तो सलमान खान फैंस तैयार हो जाए कि इस मूवी को ब्लॉकबस्टर करने के लिए। इस मूवी में पठान कैसे रेस्क्यू करवाएगा टाइगर को, उसके बाद कबीर और जूनियर NTR का कैमियो भी होगा, तो उससे मूवी को 4 चांद लग जाएंगे। तो ये मूवी जो है वो यकीनन ब्लॉकबस्टर होगी। लेकिन इस मूवी का डाउट है कि क्या ये पठान के ऑल टाइम इंटरनेट कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ेगी? आपका क्या ख्याल है? अपना ओपिनियन कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। और हाँ, जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके जाएगा, बेल आइकन भी दबाएगा ताकि आपको मेरे चैनल से आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन फौरन मिल सके।